ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, इन दोनों पुराण में वर्णित है कि चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो, अगर आप घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर पूजा करने जाते हो खुले में, और अगर वहां पर कोई दीपक जला रहे हो, तो उसमें इतना ही घी, इतना ही तेल मत डालकर जलाना कि दिया जब जल जाए तो उसके बाद भी घी या तेल उसमें पड़ा का पड़ा रह जाए। क्योंकि कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप पीपल की या आंवले की या बेलपत्र की या बरगद पेड़ की पूजा करने गए होंगे, उस समय दीपक में बहुत ज़्यादा घी या डाल लिया होगा, और आपने सोचा भी होगा कि ये दिया अब तो कुछ देर तक तो जलेगा, लेकिन फिर एक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया, और फिर उस दीपक में तेल या घी पड़ा का पड़ा रह गया। तो अग्नि पुराण कहती है कि जिस व्यक्ति ने ये दिया लगाया है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है, तो वो व्यक्ति अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है, तो पति और पत्नी दोनों सारे कष्ट भोगते हैं। क्योंकि हम जितनी देर बैठे रहते हैं दीपक के पास, तब तक तो दिया जलता ही रहता है, पर जब हम पूजा करने के बाद घर चले आते हैं, तो एक हवा के झोंके से अगर वो दीपक बुझ भी जाता है, तो जिस दीपक में घी या तेल पड़ा रहता है, उतनी ही बीमारी धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ती ही चली जाती है। हर हर महादेव।